गुड मॉर्निंग, अभी ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2 बजे। मैं अत्रीना, आज फ्राइडे है तो दोनों जा रहे हैं, चलिए देखते हैं कहाँ जाएंगे। बट डेफिनेटली वो पिछले वाला जहाँ लेके गई थी ना, जिसको मैंने बोला उसको अवार्ड दे दो, वैसे जगह पे नहीं जाएंगे। चलिए देखिए आज कौन सी गाड़ी लेके आई थी ना मुझे ले जाने के लिए। आप लोगों को याद होगा ना, एक मौना मासी वाला वीडियो में मैंने बोला था कि छोटे गाड़ी में तो मौना मासी नहीं बैठती है, इसलिए त्रीना ये गाड़ी खरीदी। तो एक्चुअली क्या है ना, बॉम्बे में एक्चुअली ऑलमोस्ट आई थिंक सबके पास ही ना, जितना मेम्बर्स है उतना गाड़ी होता है। तो वो जो गाड़ी है छोटी वाली, जो बहुत प्यारी है एक्चुअली हमारे लिए, तो वो त्रीना की पर्सनल कार है। ये त्रीना के हस्बैंड का है, तो हस्बैंड का नहीं बोलेंगे, फैमिली कार है। कार ये लेके आई त्रीना, तो संभाल के चलाना है। पर मेन बात ये है कि मौना मासी के लिए त्रीना ये गाड़ी आज लेके आई। अच्छा देखिए गाड़ी में बैठ गया, कितना गर्मी है, मतलब कौन बोलेगा दिसंबर है भाई, सच है ना। अच्छा और तेरा क्या हाल है? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे तो कमर में दर्द है। देखिए कमर में दर्द है, उसको अच्छा लग रहा है, मेरे हाथ बहुत खराब हो रहा है। अच्छा सुना, मौना मासी को गर्मी लग रहा है भाई, जल्दी एसी चालू करो, जल्दी चलो। चलिए चलिए मासी, चलिए। देखिए हम दोनों रवाना हो गए और हम यही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसे जगह पे जाए जहां हम पहले नहीं गए, एंड डेफिनेटली हेल्दी फूड तो चाहिए ही है। बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप बाहर खाओ, एक तो लास्ट वीक भी बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा बाहर खाना, तो थोड़ा सा ये सोच के खाना है कि हर एक जगह का खाना सूट नहीं भी हो सकता है। तो देखिए हम फिर बीकेसी आ गए, क्योंकि ये इतना सुंदर जगह है, अगर आप रोज़ आओगे ना तो भी आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ जैसे मैं बताती हूँ कि एक से एक रेस्टोरेंट है, तो आज हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है किचन गार्डन। नाम से ही आप लोगों को पता चला होगा कि ये रेस्टोरेंट बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि एकदम किचन गार्डन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं ये रेस्टोरेंट में। सो डेफिनेटली ये बहुत ही फ्रेश एंड हेल्दी फूड होता है। तो चलिए हम चलते हैं, आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। ये एक्चुअली बीकेसी में एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इज अ कमर्शियल बिल्डिंग, मेनली सब ऑफिस है, वहाँ ही रेस्टोरेंट है। तो हम अंदर जा रहे हैं और इसका एम्बियंस देख के भी आप समझ जाएंगे कि देखिए जो किचन गार्डन मैंने इसका नाम बोला, देखिए इसका ट्रीज देखिए, छोटा छोटा जो रखा है इन लोगों ने प्लांट्स, वो सब वही प्लांट्स रखा है जो नॉर्मली किचन गार्डन में होता है। एंड छोटा है पर बहुत नीट एंड क्लीन, एंड एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ का टेबल मैट देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ ना पूरा इंडिया का मैप है, और जो जगह का जो चीज़ सबसे बेस्ट होता है, मतलब रॉ मटेरियल, यहाँ देखिए कहाँ से चिली, कहाँ से मैंगो, कहाँ से स्ट्रॉबेरी, कहाँ से हल्दी, कहाँ से अदरक, इवन एप्पल, हनी, कॉफ़ी बीन्स, पूरा इसमें दिखा रहा है कि कौन कौन जगह से बेस्ट क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स यहाँ आता है, और फिर किचन गार्डन में सबके लिए उस चीज़ का खाना बनता है। यहाँ ना वो फ्राइड एंड कुक्ड चीज़ें बहुत कम होता है, मेनली फ्रेश ऐसे गार्डन पिक चीज़ों से बनता है, विच इज़ रियली एंड नेचुरली बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि फ्लेवर उतना नहीं है, सब कुछ का नेचुरल है। एंड मैं तो बहुत सुना हूँ, पहली बार आई हूँ, आई होप खाना भी बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ देखिए, यहाँ पिंक सॉल्ट है, नॉर्मली होटल में आपको नहीं मिलेगा, ब्लैक पेपर है, और ये जो छोटा एक बल्टी जैसा शेप में रखा है, दिस इज़ शुगर फ्री एंड ब्राउन शुगर। मतलब ये देख के भी आप समझ सकते हो कि कितना हेल्दी चीज़ें ये लोग यहाँ भी रखे हैं। और ये मेन्यू कार्ड में देखिए, क्रेप है, मीठा भी है, नमकीन भी है, जिस तरह से आप लेना चाहते हो। एंड इनका मेनू कार्ड भी देखिए बहुत बड़ा है, जिसमें सैंडविचेस है, सैलड्स है, जूसेस है, मेक योर ओन, मतलब आप अपना चॉइस, जिस हिसाब से जो जो वेजिटेबल्स देके आप सैलड बनाना चाहते हो या सैंडविच बनाना चाहते हो, उस हिसाब से वो लोग बना देंगे। एंड जूसेस भी ना सब एकदम नेचुरल है।
अच्छा, इटली में ना हमारा क्रेप खाने का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। तो त्रिना ने कहा यहाँ वो क्रेप खिलाएगी जो खा के मैं खुश हो जाऊंगी। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ से बाहर दिख रहा है, देखिए इतना सुंदर है। एंड टेबल चेयर्स भी वहाँ रखा है। पता नहीं, पर मुझे लगता है ये ऑफिस एरिया है ना, तो शायद लोग लंच के लिए यहाँ भी बैठ सकते हैं। पर वो देखते देखते बहुत अच्छा लग रहा था। एक फाउंटेन भी है। वो देखते देखते मैं और त्रिना वेट कर रही थी कि हमारी फूड आ जाए। तो जैसे ही आ जाएगा हम भी टेस्ट करेंगे और आपको भी बताएंगे कि कैसा है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। So this is purple booster. This is purple booster. This is beet and carrot and something else. This is pink cooler. Pink cooler has watermelon and ginger in it. This is Didi, who is very happy with her pink cooler. Because there is no cold. But you were saying, but you, why are you happy? Because this is 100% natural. That's all. We are having warm veggie salad with pesto, and we have added chicken to it, chicken, grilled chicken to it. There is the pesto sauce. So this has brinjal, pumpkin, broccoli, and quinoa, and of course chicken. कैसा है? So now we are having crepe. This crepe is called British. It's got sunny side up. It's got grilled chicken. It's got wow. It's got bacon strips, and it looks delicious. Then we'll check with Didi. Ending it up with cappuccino and tisane. What is tisane? Tisane is a tea. Say that again. Tisane. What is tisane? अरे जो हमारे बगल में है ना हंसा, वो अपनी प्यारी बीवी को क्या कहता है? प्रिटी जान, प्रिटी जान, तो जान, टी जान। ये जमा नहीं, लेकिन करेंगे, इसको ही करेंगे। हाँ, तो टीजान इज बेसिकली मिक्स्ड टी। देखिए, हम इतना घूम रहे हैं कि हमारे पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल पंप पे आ गए और बैठे बैठे दोनों क्या मस्ती कर रहे हैं। देखिए, यूपी वाले ठुमके से जी लल चाय उल्ला लल चाय पक्की उल्ला, क्योंकि हो गए हम पागल, हो गया दीवाना। नहीं तो नहीं जा रहे हो ना तू मेरा दीवाना। स्वीटी तेरा ड्रामा, स्वीटी तेरा ड्रामा मचाए हंगामा। देखिए, मैं बिल्डिंग में पहुंच गई और देख के समझ गई ये हमारे प्रिक्सी है। ये मुझे इतना प्यार करती है, मैं इतना करती हूँ, पर उसको देख के ना रीनी का याद आ जाता है, बहुत दुख होता है। खैर, आप सब बहुत अच्छा रहिए, आज इतना ही, बाय।